नहीं है कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं? अरे भाई, मैं तो अजय चंद्राकर का सपोर्टर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में देखना चाहूंगा अपना रमन सिंह। नहीं 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 फॉर मोदी। ओनली फॉर मोदी, ओनली फॉर मोदी। छत्तीसगढ़ में किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी को। नमस्कार, मैं हूं नागिनी साध और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त हम राजिम माघी पुन्नी मेला 2023 राजिम के मेले में मौजूद हैं और हम जानेंगे कि राजिम मेले में विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आते हैं। लेकिन हम बात आज करेंगे और इस वर्ष जो है चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष के मद्देनज़र हम जानेंगे कि राजिम मेले में आए भूपेश सरकार को लेकर क्या कहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो युवा वर्ग है यहाँ पे सेल्फी ले रहा है और आज हम जानना चाहेंगे जी आपसे ये जो भूपेश सरकार के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी इनकी शासन? भूपेश सरकार हमारी बहुत अच्छी सरकार है, वो हमारे सबके काका है। काका है, वेरी गुड जी। आप क्या कहना चाहें, आप क्या कहना चाहेंगे भूपेश सरकार के ऊपर? जो 4 साल पूरे हो गए हैं, ये इस वर्ष के हैं, चुनावी वर्ष है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव वर्ष इस साल तो भूपेश काका ही आएंगे क्योंकि मैं राजीव गांधी का अध्यक्ष हूँ और ब्लॉक से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं इसलिए आपने कहा कि इस बार भूपेश आएगा। लेकिन और भी हम कुछ लोग हैं, हम धीरे से जानना चाहेंगे कि लोगों को क्या राय है और क्या भूपेश सरकार जो वर्तमान में है उनकी शासन व्यवस्था कैसी चल रही है इसके बारे में। जी दीदी, आप कहाँ से हैं? डुंडा। डुंडा से छत्तीसगढ़ शासन जो अभी चल रही है भूपेश सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहिए, कोई बात नहीं। जी मित्र, आप कहाँ से हैं? हम हैं न्यू रायपुर। न्यू रायपुर से भूपेश सरकार के बारे में 2 शब्द क्या बोले सर उनके बारे में? शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था क्या है? जजमेंट मुला कब चालू होगा हमारा? अच्छा, वो दिन में रहता है, रात में रहता है ना? अच्छा, दिन में रहता है। हाँ जी जी। रात में क्या लोड पड़ता है? हाँ, जी भूपेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंंगे? भाई कहना तो अभी कुछ नहीं चाह रहा है, बाद में अभी दर्शन करते हैं। अच्छा, पहले दर्शन करते हैं। माता जी बता, ये भाग रही है देखिए। और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं युवाओं में थोड़ा सा। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? मैं माना कैम्प रायपुर। माना कैम्प। भूपेश सरकार के बारे में 2 शब्द बोल सकते हैं? क्या बोलूं भैया, आप बताइए क्या कैसी शासन? दारू वारू सस्ता नहीं कर रहा भैया वो, क्या करूँ भैया? क्या ओनली फॉर मोदी? ओनली फॉर मोदी, ओनली फॉर मोदी। छत्तीसगढ़ में किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी को। ओनली फॉर, मैं छत्तीसगढ़ में देखना चाहूंगा अपना रमन सिंह। नहीं 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 अपना, अरे यार क्या नाम उनका? छत्तीसगढ़ में किसकी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस, बीजेपी, दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं, दोनों मित्र। और भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी आप कहाँ से आए हैं और छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे भूपेश सरकार के बारे में? भीड़ भाड़ तो ठीक ठाक है, लेकिन भूपेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से इस बार जो है चुनावी वर्ष है इसके लेकर क्या कहेंगे? कार्यक्रम में मेला में तो भीड़ वैसे है, लेकिन जैसे व्यवस्था होना चाहिए वैसा नहीं है। समझ नहीं पा रहे हैं, भूपेश सरकार के बारे में पूछा लेकिन आप बता नहीं पाए। और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से जानना चाहेंगे। यहाँ पे कहाँ से आए हो मित्र? हम लोग रायपुर से आए भैया, एक तो वीडियो। अच्छा, ये बताएं कि वर्तमान में इस बार चुनावी वर्ष है, भूपेश सरकार अभी वर्तमान में है, क्या कहना चाहेंगे भूपेश सरकार के बारे में? भूपेश सरकार बहुत अच्छे हैं, मेरे मत से यही कहना है कि फिर से एक बार उनका ही सरकार बनना चाहिए सर। ऐसा आप उनके कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, कार्यकर्ता नहीं हूँ सर, उनका बहुत बड़ा मैं फैन हूँ सर। फैन हूँ, वेरी गुड। जी जी। तो इस बार क्या आपको लगता है कि भूपेश सरकार फिर से आ जाएगी? आ जाएगी सर, बहुत उम्मीद है सर। अच्छा, क्या क्या की है, क्या चीज अच्छा लगा उनको? वो उनको कहना चाहिए तो किसानों के बहुत हेल्प किए हैं और बेरोजगार को रोजगार के लिए बहुत सारे रोजगार खोले हैं जो पेंडिंग में था। बहुत बढ़िया। जी जी सर। तो और कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे लोगों को? नहीं सर, मेरा बहुत यही रिक्वेस्ट है सर कि इस बार फिर से हमारी सरकार भूपेश बघेल सर। तो देखिए, लोगों में काफी उत्साह है, इस बार भी भूपेश सरकार की मांग हो रही है। और भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। जी दीदी, आप मन कहाँ से हो? तो इन लोग बताएं। जी मित्र, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग मगलोड से। मगलोड से। जिस प्रकार से इस वर्ष 2023 चुनावी वर्ष है, इसको लेकर जिस प्रकार से शासन व्यवस्था वर्तमान भूपेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोस्त, हम लोग अभी एंट्री किए हैं लेकिन हम लोग को इस हिसाब से बढ़िया लग रहा है अभी तक। नहीं नहीं नहीं, मैनेजमेंट इस बार बढ़िया है। नहीं, उसको नहीं बोल रहा हूँ, भूपेश सरकार के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ शासन व्यवस्था के बारे में पूछा, क्या कहना चाहेंगे भूपेश सरकार के बारे में? इस बार भी भाई भूपेश सरकार ही आएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या चीज अच्छा लगा आपको सेंटर में? सेंट्रल में मैं मोदी को ही सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जी जी। बाकी इस बार अपने को, अपन भी एक तरह से किसान ही है जी जी, तो मेरे को लगता है इस बार भूपेश सरकार जो है ना जी, अच्छे से परफॉर्म करेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं लोगों में भूपेश सरकार के जो योजनाएं हैं और किसानों को लेकर जो उन्होंने जो कार्य किया है, और भी कुछ लोग हैं उन लोग से जानना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजीव माघी पुन्नी मेले में युवा वर्ग भी साथ में है और हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान भूपेश बघेल सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, भूपेश सरकार लास्ट 4 साल से है, लेकिन यहाँ अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वो भी दिखाने के लिए कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और किसान वर्ग को तो करते हैं, किसान लोगों के लिए बहुत कुछ जैसे कि बोनस वगैरह, लेकिन मिडिल क्लास लोग, जॉब लोग के लिए जो है, मेरे को ऐसा कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखा है। और रायपुर में भी कुछ खास प्रोग्रेस, जैसे छत्तीसगढ़ है तो यहाँ कुछ नया डेवलपमेंट आना चाहिए, कुछ यहाँ नया प्रोजेक्ट आना चाहिए, कुछ कॉलेज वगैरह कैंपस वगैरह है, ये सब कुछ मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखा है। जो डेवलप होना चाहिए कुछ कुछ डेवलपमेंट नाम का चीज नहीं है। और मेरे को लगता है कि भूपेश सरकार को नहीं आना चाहिए छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट टाइम, और छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर कोई बीजेपी अगर आ जाएगी तो क्या डेवलपमेंट करेगी और किसानों को इस प्रकार से योजनाओं का लाभ भी रहा है, क्या मिल सकता है? बीजेपी के साथ ऐसा था कि बीजेपी किसान वर्ग के साथ भी उन लोगों को सपोर्ट किया, उन लोगों के आगे बढ़ाया, उन लोगों को सभी चीज़ में सपोर्ट किया। और बीजेपी जैसे नया रायपुर जो है उसको डेवलप किया था, और भी जैसे इधर का रायपुर का है उसको भी काफ़ी डेवलप किया था, लेकिन वहीं आप बीजेपी मतलब सबको सपोर्ट करती है, लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास और किसान जो है सबको। तो बीजेपी को मैं सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी को बनना चाहिए, तभी छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट होगा, वरना छत्तीसगढ़ वैसा का वैसे रह जाएगा। आपका शुभ नाम? प्रदीप साहू जी, धन्यवाद जी। ओके, और भी कुछ मित्र हैं, उन लोगों से जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार को लेकर जी, आप कहाँ से हैं? मैं धमतरी छत्तीसगढ़। अच्छा, धमतरी बकारा के आसपास से। बकारा के आसपास से जी। वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? क्या 4 साल आपको सुशासन व्यवस्था गुजरी है? नहीं, अच्छे से नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया है, दोबारा क्या भूपेश बघेल जी दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, बराबर नहीं, शायद है। हाँ। अच्छा, किस रीजन से शायद है? क्या क्या काम आपको ठीक नहीं लगा भूपेश सरकार का? सर, बेरोजगारी भत्ता दूंगा करके बोला था, अभी तक उसका मतलब अता पता नहीं है, नामोनिशान नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे युवा वर्ग जो है बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जी, बोलते नहीं आए रोहित में, ऐसे बोले। आप कहाँ से हैं? हम लोग तो यहीं के हैं, वैसे प्रॉपर अभनपुर के। जी जी जी। और इस बार जो है चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्षों को लेकर क्या दोबारा भूपेश सरकार आ सकती है? हाँ भाई, बिल्कुल। उनका जो अभी राजीव में कार्यक्रम है, देखो चमका दिए हैं। तो दोबारा आने का चांस है? हाँ, किसान तो नहीं है कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं? अरे भाई, मैं तो अजय चंद्राकर का सपोर्टर हूँ, लेकिन 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 बात यह है कि अभी कहा है भूपेश बघेल जो है ना, अभी किसानों के लिए जो अभी 2500 वाला जो काम किया है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो किसान पूरा सपोर्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, तो किसान के बदौलत तो वो फिर से आ जाएगा। जी जी जी, भले काम कराए चाहे मत कराए, बहुत बढ़िया, काम कराए चाहे मत कराए, दोबारा भूपेश बघेल जा रहे हैं मतलब? हाँ, मेरे को लगता है कि 50-55 तक जाके जीत भी जाएंगे। अच्छा, देख सकते हैं जो बीजेपी के सपोर्टर है वो ही खुद ये बोल रहे हैं कि वर्तमान जो इस बार जो है भूपेश बघेल की सरकार ही बनेगी। छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। और भी दी ज्यादा, आप कहाँ से हैं? लंदन घूमे। आप कहाँ से हो? कहाँ से हैं? रीवा। कहाँ से? रीवा कहाँ से? जिला धमतरी। धमतरी से। ये बार चुनावी वर्ष आ रहे, कौन लोग वोट देवे? अरे काकर सरकार बन सकते हैं बताने का? भूपेश बघेल या भाजपा के? भाजपा के। भाजपा के। आप मन बाबा? हाँ, भाजपा के। भाजपा के।
जो बुजुर्ग वर्गों में इस वक्त हम राजी मांगी पुण्य मेले के सरकारी स्टॉल में मौजूद हैं और यहाँ पे जो दर्शनार्थी आए हुए हैं हम जानना चाहेंगे कि भूपेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए। दीदी आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से। जी भूपेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द, कैसी चल रही है शासन व्यवस्था? नहीं पता इनको, और भी कुछ लोग हैं उन लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार जो है भूपेश सरकार की शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, क्या भूपेश सरकार जो है दोबारा इस बार आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं। तो जी आप लोग कहाँ से हैं? जी अरे देखिए डरिए मत, और भी कुछ लोग हैं, हम धीरे से उन लोग से जानना चाहेंगे। जी जिस प्रकार से इस वर्ष चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष को लेकर भूपेश सरकार की 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या भूपेश सरकार दोबारा सत्ता हासिल कर सकते हैं? नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। जी जी काम अच्छा किया है बट चांसेस 50-50 रहेगी। हाँ जी कहाँ से हैं? मैं कुरुस से। ऐसा तो नहीं है आप चंद्राकर जी के? हाँ मैं चंद्राकर जी का सपोर्टर, लेकिन चंद्राकर जी के अभी एक सपोर्टर मिले हुए थे, उनका कहना था कि हम चंद्राकर जी के सपोर्टर हैं लेकिन इस बार जो है भूपेश बघेल की सरकार ही बनेगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किसानों को लेकर अच्छा काम किया है, किसानों को लेकर अच्छा काम किया है बट क्या है पब्लिक जो है ना बोर हो जाती है पता है, है ना, तो मेरे को नहीं लगता कि एक तरफा रहेगा, 50-50 रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, सुना लक्ष्मीकांत साहू, लक्ष्मीकांत साहू बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, जी आप कहाँ से हैं? मैं बड़े लाभनपुर से। लाभनपुर से क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से भूपेश सरकार के बारे में 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, क्या शासन व्यवस्था ठीक है अभी? हाँ जी ठीक है, ठीक है, दोबारा आ सकता है? जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन महिलाओं का भी कहना है कि भूपेश सरकार दोबारा आ सकते हैं। और भी दर्शनार्थियों से हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या भूपेश बघेल की सरकार के बारे में उनकी क्या राय है इसके बारे में। तो ऐसे ही ग्राउंड न्यूज़ की खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर